हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका अपना देवेंद्र सिंह चावला। अभी मैंने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था कि हमने जो है ट्रैवल आइटनरी अपनी कैसे बनानी है, जो हमने कनाडा मल्टीपल एंट्री वीज़ा, 10 ईयर मल्टीपल एंट्री वीज़ा, या TRV जिसको कहते हैं, टेम्प्रेरी रेजिडेंट वीज़ा, या टूरिस्ट वीज़ा, या विजिटर वीज़ा जिसको कहते हैं, उसके लिए आइटनरी कैसे बनानी है। अब हम उसके बाद नेक्स्ट स्टेप पे आते हैं कि आपने उसमें जो एप्लीकेशन फॉर्म भरना है उसमें आपने ITR मतलब इनकम टैक्स रिटर्न्स आपने अटैच करनी है, और उसमें आपने अपने प्रूफ ऑफ फंड्स कैसे दिखाना है। प्रूफ ऑफ फंड में ये होता है कि आपके पास कितने फंड्स अवेलेबल है, उसमें आपने जो प्रूफ ऑफ फंड्स दिखाना है उसमें ये दिखाना है कि आप वो फंड्स कहाँ से लाए हैं, उसमें आपको अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल जो करते हैं वो आपको अटैच करनी पड़ेगी। जो आप नॉर्मल अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं, जैसे आप पिछले सालों से जितने भी सालों से रिटर्न फाइल कर रहे हैं, वही इनकम टैक्स रिटर्न आपको कम से कम 2 साल की अपने एप्लीकेशन फॉर्म के साथ लगानी पड़ेगी। इसमें ऐसे है कि जो आप अगर आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं करते तो आप एक ही इनकम लेटेस्ट इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करके आप उसके साथ लगा सकते हैं। पर एक एक चीज़ का ध्यान रखिए कि अब जैसे आपने, अगर आप अभी कुछ दिनों में ही अगर कनाडा का टूरिस्ट वीज़ा के लिए फाइल प्रिपेयर करने जा रहे हैं और अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करने जा रहे हैं, तो उसका एक चीज़ ध्यान रखिए कि जो आपने इनकम टैक्स रिटर्न जो अगर आपने 1 साल की लगानी है, लेटेस्ट लगानी है, तो वो उसके पास ही सबमिट ना की हो तो बेहतर रहेगा। इससे वो थोड़ी देर पहले सबमिट की हो तो अच्छा रहेगा। मतलब उनको जो वीज़ा ऑफिसर है उसको ये नहीं लगना चाहिए कि आपने सिर्फ इनकम टैक्स रिटर्न इसलिए फाइल की है कि आपने कनाडा का टूरिस्ट वीज़ा के लिए एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करना है। तो इसमें मैं कहना चाहता हूँ कि आपको कम से कम 2 साल की इनकम टैक्स रिटर्न लगानी चाहिए। अगर उससे ज़्यादा की हो, अगर 3 साल की लगा सको तो बहुत बहुत ही उससे भी बेटर है। तो उसके अलावा आप अगर अकेले जा रहे हैं तो अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल लगा आपकी इनकम टैक्स रिटर्न की कॉपी लगा सकते हैं, और आप अपने अपने स्पाउस की भी इनकम टैक्स रिटर्न साथ में लगा सकते हैं अपनी इनकम शो करने के लिए, अपनी फैमिली इनकम शो करने के लिए। तो अगर आपका स्पाउस साथ ही जा रहा है तब तो आपको लगाना ही चाहिए दोनों अपना। अगर आपकी स्पाउस भी वर्किंग है और वो इनकम अर्न कर रही है तो उनको भी अपनी ITR लगानी चाहिए। तो अगर आप अकेले भी जा रहे हैं तब भी आप अपनी ITR और अपने स्पाउस की ITR भी आप साथ में लगा सकते हैं अपनी फैमिली इनकम शो करने के लिए। और उसके बाद आ जाता है जो लोग, ये तो हो गया, जो अब जो एप्लीकेंट्स है वो डिफरेंट तरह के होते हैं। जैसे कुछ लोग जॉब करते होते हैं, कुछ लोग बिजनेस करते होते हैं, कुछ लोग एग्रीकल्चर करते होते हैं। तो ये भी हो जाता है कई बार कि जैसे एग्रीकल्चर वाले हैं तो एग्रीकल्चर जो करते हैं वो फार्मर हैं, या कोई और ऐसे बिजनेस में जो ITR नहीं फाइल करते, तो उनको भी मैं सलाह देता हूँ कि अगर आप कनाडा का वीज़ा अप्लाई करना चाहते हैं तो ITR अपनी फ़ाइल करनी शुरू कर दीजिए। और उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है उसमें है कि आपने अपनी इनकम फ्रॉम ऑल सोर्सेज दिखानी है, नॉट फ्रॉम वन। लाइक अगर आप जॉब करते हैं कहीं से आपको और भी इनकम आती है तो वो भी दिखानी है, ठीक है। अगर आप बिज़नेस करते हैं, अगर आप एक एक बिज़नेस कर रहे हैं और आपको उसके अलावा भी कहीं से इनकम आती है, जैसे रेंटल इनकम, लीज़ इनकम, जो आपने कोई जगह आपने घर है या कोई दुकान है वो किराए पे दी हुई है, वो भी आपने उसमें अटैच कर सकते हैं और दिखा सकते हैं कि मेरे को ये भी इनकम आती है। सो इसमें मैं ये कहना, यू हैव टू शो द इनकम फ्रॉम ऑल सोर्सेज, ठीक है। रेंटल इनकम होगी, लीज़ इनकम होगी, आपके कुछ शेयर्स हैं, डिवेंचर्स हैं, जो FDs हैं, उस वहाँ से भी जो इनकम आती है वो भी आप दिखाना चाहिए और दिखा सकते हैं आप कि मेरे को यहाँ यहाँ से इनकम आती है। ये शो करने के लिए अपने फैमिली टाइज शो, अपने कंट्री के साथ टाइज शो करने के लिए, आप अपनी मतलब इकोनॉमिक कंडीशन को बेटर दिखाने के लिए ये सारी इनकम दिखा सकते हैं। तो जो ITR हैं वो ITR आप जो सबमिट करेंगे उसमें बस ये चीज़ का ध्यान रखना कि वो उस भी वक्त इमीडिएटली फाइल ना की हो, वो थोड़ा पहले की फाइल हुई होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद अगर उसके अलावा अगर आपने ITR नहीं कभी फाइल की, अगर आप ITR के बिना अपना इनकम प्रूफ दिखाना चाहते हैं, तो अपनी आप पे स्लिप्स भी अटैच कर सकते हैं उनके साथ, उसके फॉर्म के साथ 1 साल की पे स्लिप्स आप अटैच कर दीजिए, या 2 साल की पे स्लिप्स आप अटैच कर दीजिए अपनी इनकम को दिखाने के लिए। अगर आप
आप अगर जितनी भी आप दिखाना चाहते हैं आप दिखा सकते हैं उसमें, जितनी भी पे स्लिप्स आप अटैच करना चाहते हैं कर सकते हैं। और जो फार्मर्स हैं वो अपने जे फॉर्म्स उसके साथ अटैच करके आप अपनी इनकम दिखा सकते हैं। और इस चीज़ों को सबको ध्यान में रखने, आप जैसे बैंक स्टेटमेंट भी साथ में लगाएंगे तो नेचुरली जे फॉर्म में जो आपकी इनकम शो होगी वो बैंक में भी आप शो कर सकते हैं। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है आपने कैसे अपनी फाइल को बढ़िया बनाना है और आपने इस तरह कन्विंस करना है वीजा ऑफिसर को कि आपके पास सफिशेंट इनकम है और आप वेल सेटल्ड हैं यहाँ अपने अपने कंट्री में, और आपका अच्छा जॉब है और अच्छा आपका बिजनेस है और आपका एग्रीकल्चर इनकम बहुत अच्छा, और कि आप अपना वहाँ से विजिट करके आप वापस अपने कंट्री ज़रूर आएंगे। सो ये थी मेरी सारी इन्फॉर्मेशन जो मैं आपको देना चाहता था, इनकम टैक्स रिटर्न जो आपने अटैच करनी है अपना एप्लीकेशन फॉर्म के साथ उसके बारे में। सो उम्मीद करता हूँ कि आप सबको ये वीडियो पसंद आई होगी और आपको आपके पॉइंट्स हैं जो आपके क्वेश्चन हैं वो आप उनका आंसर आपको मिल गया होगा। तो अगर आप कुछ एक्स्ट्रा मेरे से इन्फॉर्मेशन चाहते हैं या कुछ और क्वेश्चन है आपके दिमाग में उनका आंसर चाहते हैं तो आप मुझे फ़ोन करके मेरे से वो क्वेश्चन आप डिस्कस कर सकते हैं और मैं उसका आपको अच्छे से जवाब देके आपकी हेल्प जरूर करूँगा। तो मैंने अपना फ़ोन नंबर अपना मोबाइल नंबर डिस्क्रिप्शन में दे दिया, आप इसमें चेक कर सकते हैं। और बाकी जो मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बताया था कि अगर आप मेरे को कॉन्टैक्ट करते हैं अपनी फाइल बनवाना चाहते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट तो वो मैं आपके लिए ज़रूर बनाऊँगा और आपकी हेल्प करूँगा आपका वीज़ा लेने में। ओके दोस्तों, ये थी मेरी आज की वीडियो। ओके बाय।